यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और आप देख रहे हैं मेरे जो फेथ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जुबैर। और एक दफा फिर से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे जो एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आए मेरे जो प्रोग्राम के आगाज से पहले जो है हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करें। मेहरबान प्यारे जिंदा जलाली अब्दीन खुदावन, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तू नहायत मेहरबान अजीम खुदा है। खुदा आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदा बहुत सारे नौजवान बरकत पाए, बहाली पाए, आजादी पाए और जलाल तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह को मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम मुबशर एहसान पत्रस साहब मौजूद हैं। तो आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को जो है वो मुबशर एहसान पत्रस साहब से जो है वो सुनेंगे। जी थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है यूथ के हवाले से है, तो चाहेंगे क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में से भी हवाला देखें कि नौजवान को क्या करना चाहिए। तो हम निकालेंगे कलाम मुकद्दस में से वाज नबी की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 9 से 10 आयत और फिर 12 बाब की पहली आयत को हम देखेंगे। तो खुदाओं के कलाम में यूं मरकूम है, ए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। तो बस जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से, तो हमें जो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन खुदा से दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से नहीं सीखते कि हम अपने वालदैन के और अपने घर के अफराद के साथ एक अच्छा रिलेशन जब नहीं रखते और हम ऐसे कामों में ऐसी राहों पर चल पड़ते हैं कि जिसके बिना पर हम अपने ख़ानदान के लिए परेशानी का और दुख का बायस ठहरते हैं। तो खुदा का बंदा जो आज हमें अपने कलाम में तंबीह करता है, वो कहता है कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। यानी कि अगर हम जिंदगी में देखें कि नौजवान या कोई भी अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है, अच्छे काम नहीं करता, खुदा का खौफ नहीं है उसके जिंदगी में या उसकी नज़र में, तो वो खुदा उसको एक दिन अदालत में लेकर आएगा। और क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को गलत राहों पर ले चलते हैं तो इसमें ये होता यही है कि हम अपने ख़ानदान के लिए और कलीसिया के लिए मुसीबत का बायस ठहरते हैं। और आजकल तो वैसे ही हमारे नौजवान जो हैं काम काज तो उन्होंने करना नहीं होता और वो ज़्यादातर गली कूचों में और नशा जैसी लानत में ऐसे फंसे हुए हैं और उन्होंने अपने वालदैन के लिए और कलीसिया के लिए अक्सर वो मुसीबत का बायस ठहरते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ जो जिनको भी हम जानते हैं नौजवान लोगों को, तो हम उनको खुदा के करीब लेकर आएं ताकि वो बदी को छोड़े, बराई को छोड़े और खुदा के साथ अपने रिलेशन को, अपने तल्लुक को ज़्यादा से ज़्यादा कायम रखें, ताकि खुदा जो जिंदा खुदा है हमेशा उनकी रहनुमाई करे। जी
तो मुबशिर साहब, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आप जो है वो आपका काम जो है वो नौजवानों में है, तो आप कौन से ऐसे तरीके या कौन से ऐसे जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके वसीला से जो है आप बच्चों को, नौजवान नस्लों को जो है वो खुदाओं के करीब ला रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में भी ब्रीफली बता दें तो हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो बाइस बरकत होगा। जैसे कि अभी मैं लाहौर में हूँ और बेसिकली मेरा तल्लुक जो है चीचा वतनी से है, उसके गांव बयालीस वारायण से है। तो वहाँ पर भी जब मैंने देखा कि नौजवान जो हैं वो चर्च काम आते हैं और उनका कोई अपने यानी कि चर्च के साथ और खुदा के साथ कोई ऐसा गहरा रिलेशन नहीं है, इसके इवज के वो अपने वालदैन को भी बहुत परेशान करते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने कोशिश की कि नौजवान जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उन्हें खुदा के बारे में बताया जाए ताकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हों और अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारे जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें अपनी जवानी को खुदा के अहकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए, ताकि जब इन अयाम में हम होते हैं तो खुदा की जो खुदा जो हमारा ज़िंदा खुदा है वो हमें ज़्यादा बरकतें देता है, क्योंकि जवानी में आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोगों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में जिनको खुदा ने जवानी में इस्तेमाल किया। जैसे दाऊद को हम देखते हैं कि वो भी बच्चा था, जवान था, और खुदा ने उसे इस्तेमाल किया ऐसे ऐसे कामों के लिए और खुदा का हाथ उसके साथ था। जब वो किसी काम के लिए जाता था तो खुदा का हाथ उसके साथ था। इसी तरह मेरा ख्याल है कि आज भी खुदा हर नौजवान से, हर इंसान से प्यार करता है और चाहता है खुदा कि हर नौजवान जो है वो खुदा के कामों को करे, ताकि लोगों के अंदर से वो जो बुराई है वो नौजवानों के ज़रिए से ख़त्म हो जाए। जब एक नौजवान खुदा के पास आएगा तो इसके इवज वो दूसरों को भी तंबीह करेगा कि हमें खुदा के कामों की तरफ आना चाहिए, चर्चाना चाहिए और खुदा के कामों को करना चाहिए। तो जो मुबशिर साहब, जो आज का नौजवान है, जैसा कि हमारी मरकजी आयत में हमने देखा है कि वो अपनी जवानी के आम में जो है वो तरह तरह के नशों से खुश हो रहा है और सोशल मीडिया जो है उसका नौजवानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा गहरा असर है, तो आप क्या समझते हैं इन सारी चीजों से कैसे एक नौजवान को जो है वो निकाला जा सकता है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ लाहौर में हमने बनाई है यूनाइटेड क्रिश्चियन यूथ हेनरी के में और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर भी मैंने देखा है कि मंडे को हमारा विजिट होता है और ट्यूसडे को हमारी मीटिंग होती है यूथ ग्रुप की। तो उसमें मैंने जब मंडे को विजिट कर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि चंद नौजवान जो हमारे अपने हैं वो उधर अपना टिकटॉक बना रहे थे, तो मैंने अचानक पीछे से देखा तो मैंने कहा भाई आपकी ये वीडियो इससे भी अच्छी बन जाएगी अगर आप चर्च आ जाएंगे, तो इससे यानी कि ये जो आप टिकटॉक बना रहे हैं इसका आपको फायदा नहीं है, नुकसान है, ये आपकी जिंदगी के लिए और अपने के खानदान के लिए और कलीसिया के लिए नुकसान है। तो मैंने कहा कि आप चर्च आएं तो वहाँ पर अगर आपकी वीडियो अच्छी बनेगी तो इससे आपके खानदान को भी फायदा होगा और आपकी ज़िंदगी भी जो है वो खुदा में अच्छी गुजरेगी। तो मैंने उन्हें तंबीह की कि हम ऐसे कामों को छोड़ें जिनसे खानदान तबाह हो रहे हैं, जिनसे यानी कि घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं नौजवान नशा करते हैं और वो घर में आते हैं तो घर में आके लड़ाई झगड़ा और ऐसी बातें करते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम से वाकफियत रखनी चाहिए। अगर हम खुद नहीं पढ़ते या पढ़ नहीं सकते तो हमें किसी खादम का सहारा लेना चाहिए, किसी भी को खादम को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, ताकि हम खुदा के कलाम को ऐसे दोस्ताना माहौल में सीखें ताकि ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचें। जी मुबशिर साहब, और आप क्या नौजवानों को, आज के नौजवानों को जो है वो नसीहत करेंगे कि वो खुदावन में कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और कैसे जो है खुदावन में अपने आप को जो है वो कायम और दायम रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी राहें भी हैं
जो इंसान को बिल्कुल सीधी मालूम तो होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में जो है वो मौत की राहें हैं। तो आज के नौजवान को आप मुबशर साहब क्या जो है वो पैगाम देना चाहेंगे और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपके मैसेज से सुने, उसको बरकत पाए और अपनी जिंदगी को खुदा की यीशु मसीह को दे। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जो हमारे वालदैन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको सबसे पहले अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि हम अपने ऐसे रिलेशन जो बाहर हम बनाते हैं नौजवानों के साथ जिनसे बुराई पैदा होती है, तो सबसे पहले घर से जब वालदैन सिखाएंगे तो अगर वो बच्चा नहीं सीखता तो हम उसे ऐसे माहौल में लेकर आए ताकि वो बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ गुजारे, उसका वक़्त चर्च के साथ गुजरे और खुदा के लोगों के साथ गुजरे, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद चर्च लेकर आए ताकि खुदा के कलाम से वो वाकफियत हासिल करें और जो वो काम करते हैं उनसे वो यानी कि तौबा करें। बशर साहब, खुदा के कलाम में लिखे खिदमत का जो आगाज है वो घर से होता है। तो बहुत सारे वालदैन जो है वो अपने बच्चों की उस तौर से तरबियत नहीं कर पाते जिस तौर से उन्हें करना चाहिए था। तो आप क्या समझते हैं कि चर्च का इसमें क्या किरदार है और चर्च क्या किरदार जो है वो इसमें अदा कर सकता है? सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि वालदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को गाइड करें, क्योंकि कहते हैं कि पहली दरसगाह जो होती है वो घर ही होता है और बच्चे घर से सीखते हैं कि हमने कल क्या करना है। जब हम अपने बच्चों के लाड प्यार को देखते रहते हैं, वो आस्ता आस्ता जब जवानी के आलम में जवान होता है तो फिर वो हमारे हाथों से निकल जाता है। फिर हम परेशान होते हैं कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो हमारा कहा नहीं मानती। तो इसलिए चाहिए कि सबसे पहले हम उन्हें बहुत प्यार से, जैसे हम उनके लिए तमाम वो चीज़ें जो वो मांगते हैं हमसे हम प्रोवाइड करते हैं, कहीं से भी लाकर देते हैं, तो ऐसे ही हम कोशिश करें कि अपने बच्चों की जो तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। हमें नहीं कलाम आता तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम किसी खादम का सहारा ले सकते हैं, जो खादम हमारे घरों में विजिट करते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे जो ये जो बच्चे हैं ये दिन ब दिन हमसे दूर हो रहे हैं, ये ऐसे कामों में चले गए हैं जिनसे इनको वापस लाना मुश्किल है, इसमें आप मदद करें। तो मेरा ख्याल है कि खुदा का खादम जो है वो कलाम के जरिया से उन बच्चों की बहुत अच्छी तरह तरबियत करेगा ताकि वो बच्चे जो हैं अपने वालदैन के फरमा बरदारी में। सबसे पहले जो काम है वो फरमा बरदारी है। आप खुदा की तरफ देखें तो खुदा को भी फरमा बरदार लोग पसंद है जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके हुक्मों पर चलते हैं। तो इसी तरह जब हम देखेंगे कि हमारे नौजवान जो है, अगर हमें नज़र आता है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं, तो ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल करें कि हम उनको वापस लेकर आए, ना कि हम डांट डपट करके या उन्हें ऐसा बातें करके और उनके दिल में नफरत पैदा करें, बल्कि कोशिश करें कि वो खुदा के कलाम की तरफ वापस आए और खुदा के अहकाम को माने। तो मुबशर साहब, आप हमें कोई अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं कि बहुत सारे इस तरह नौजवान, जैसे आप नौजवानों में खिदमत करते हैं और आपने खिदमत के वसीला से बहुत सारे लोगों ने अगर खुदा उनको जाना है तो आपकी गवाही से मेरा ये ईमान है बहुत सारे जो लोग हैं वो बरकत पाएंगे। किसी ऐसे नौजवान की कोई गवाही जो देखने वालों के लिए जो है आई थिंक बाइस से बरकत होगी, तो गवाही अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरे ख्याल से ही बड़ा अच्छा हो जाएगा। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मेरा तल्लक चिचावनी से है और एक गाँव से है, तो वहाँ पर जब मैंने ये नौजवानों को ग्रुप बनाया, यूथ ग्रुप बनाया, तो वहाँ पर पहले तो हमारे साथ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे थे, और जब देखा कि दोनों चल नहीं सकते यानी कि क्वायर और यूथ में, यूथ को हमने लग कर दिया, नौजवानों को यूथ में ले आए और जो लड़कियाँ थी उन्हें हमने क्वायर में एड कर लिया, और ऐसे करके उन्हें
खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत की उनकी, और आज वो नौजवान जो हैं कुछ यहाँ लाहौर में हैं और वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और अपने वालदैन के लिए एक तो वो खुशी का बायस है, सेकंडली वो खुदा तर्स है, और दूसरा ये है कि वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं आज, और मुख्तलिफ होटल्स में कुछ काम कर रहे हैं और कुछ दूसरे कामों में यानी कि लगे हुए हैं। यानी आपका जो लगाया हुआ पौधा था वो आज जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए और उनके अपने खानदानों के लिए जो है वो बाइस बरकत बन रहा है। तो खुदा उनका शुक्र है आज के इस अच्छे प्रोग्राम के लिए, इस मैसेज के लिए जो आपने मरकजी आयत ली के नौजवान को जो है वो खुदा के कलाम पर ध्यान रखना है, अगर वो अपनी ही ख्वाहिशात में चलता रहेगा तो उसकी इंतहा में जो है मौत है। जी जी, तो आज का नौजवान को चाहिए कि वो अपनी राह को दुरुस्त करने के लिए खुदावन के कलाम पे जो है वो अमल करे, शरीयत की इस किताब पर जो है उसका दिन और रात ध्यान हो, तभी जो है उसे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और वो खूब कामयाब होगा। और मेरे जो कलामी मुकदस में लिखा हुआ है अमसाल की किताब में, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़ेगा। तो आज जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उन सबको इनकरेज करना चाहूंगा, बिलखसूस उनके पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को ऐसे जरा बताएं, ऐसी चीजों से जो है वो गाही दें जो उनके लिए जो है वो खतरनाक है, उनके लिए अच्छी नहीं है, ताकि वो जब बड़े हों तो जो है वो इन चीजों से अवॉइड कर सकें, और जो उनकी जिंदगी से जो उनकी जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है उसको जलाल मिल सके। यानी मेरे जो बहुत दफा हमें क्या होता है, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते और हमारे बच्चे जो हैं वो शराब नोशी और सिगरेट नोशी की तरफ जो है वो चले जाते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं अगर वो उनके असरात से अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि जो सिगरेट पीने से जो है वो लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और जो शराब है ये भी इंसान की उम्र को जो है वो हाफ कर देती है, यानी बहुत सारी आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, तो मैं आज आपको ये इस प्लेटफॉर्म की वसासत से बताना चाहता हूँ अपने बच्चों की जरूर तरबियत। आज मेरे जो पालूस के अगर आप खतों को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वक्त के लिहाज से तो हमें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन आज हमें हाजत है कि हम दूध पीते ही रहें, यानी ठोस गुजा की तरफ हम जाना नहीं चाहते, हम सिर्फ दूध की हद तक ही रहना चाहते हैं, यानी नरम गुजा दी जाए, यानी वही शिफाओं के बारे में बताया जाए, मौजात के बारे में बताया जाए, लेकिन जो यूथ के बेसिकली इशूज हैं उन पर जो है वो बहुत कम बात की जाती है। तो मेरे जो ये प्रोग्राम की विसासत से मेरा ये ईमान है, जैसा कि आपने आज मुबशर साहब से ये सीखा है कि वो अपने अबाई गांव में जो थे उन्होंने एक जो था वो क्वायर को कायम किया, और आज वो हैं सब जो हैं वो खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। तो मेरे जो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आप भी एक खूबसूरत पौधा लगाएं, ताकि मेरे जो जब वो बड़ा एक तनावर दरख्त बने और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें बसेरा कर सके। आमीन। मेरा ईमान है मेरे जो आज के प्रोग्राम के सिला से आपने बड़ी बरकत पाई है। आए हम अपनी आंखें बंद करें और मैं मुबशर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें, और नौजवानों के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमारे नौजवान नस्ल को जो है वो बचाए और ऐसे खादमीन को उठा खड़ा करे ताकि जो नौजवान नस्ल है वो बच सके। जी, आए हम अपने सर खुदावंद के सिर झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी पाक, तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदावंद रब्बुल फाज हम तेरी हजूरी में गुजार रहे हैं। खुदावंद तू जो रहीम मेहरबान कादर मुतरी खुदा है, ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जगह ब जगह से फराहम किया कि हम तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरे बंदा के लिए कि जिनके जरिए से खुदावंद हम नौजवान नस्ल के लिए एक मैसेज कन्वे कर सके कि नौजवान नस्ल जो है वो तेरे करीब आए और तेरी हजूरी में आए और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। सो खुदा रहम कर, फजल कर, और खुदा हम सबको छू और बरकत दे। खुदा तुझसे दुआ करते हैं
कि खुदा जितने नौजवान हमारे नशा जैसी लानत में या बुरी आदत में हैं या ऐसे खुदावंद हथकंडों में हैं जिनसे खुदावंद वो अपने वालदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस है, तो खुदावंद आज तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें घेर कर ला ताकि खुदावंद वो हमेशा अपने वालदैन के और तेरे फरमा बरदार रहे और तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और उन नौजवानों को खुदावंद जो गलत राहों पर है खुदावंद उन्हें वापस लेकर आ ताकि खुदावंद सभी तेरे करीब आए और तेरे नाम को जलाल दें। तो उसे दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारा ये मैसेज ये पैगाम खुदावंद नौजवानों की ज़िंदगी को तब्दील करने का वास है ताकि खुदावंद नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तेरे करीब आए और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद ये हमारी काविश खुदावंद तुझे पसंद आए और इसके वजह से खुदावंद हम सब को और हम खुदावंद हमारे घरानों को बरकत देना ताकि खुदावंद हमेशा हम तेरे नाम में बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं उसी यीशु के कादर जलाली और पाक नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरे जो मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई है। देखना ना बोलिए राइज़ एंड शाइन, देखते रहिए फेथ टीवी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।